विकास के आकाश से आमजन की बुनियादी जरूरतों तक विस्तारित बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड न्याय के साथ विकास के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सपनों को साकार करने की दिशा में निरंतर गतिशील है। वर्ष 2008 में निगम की स्थापना बिहार हेल्थ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से एक SPV के रूप में हुई। वर्ष 2010 में कैबिनेट से स्वीकृति के उपरांत इसका नाम बदलकर बिहार स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया और इसका कार्य विस्तार बिहार सरकार के सभी विभागों और उपक्रमों तक हो गया। निगम को बिहार सरकार के करीब 30 विभिन्न विभागों उपक्रमों के माध्यम से लगभग 1850 योजनाएं कार्यान्वयन हेतु प्राप्त हुई, जिनकी कुल प्रशासनिक स्वीकृति करीब 5400 करोड़ है। निगम द्वारा इन प्राप्त योजनाओं में से लगभग 1300 योजनाओं को पूर्ण भी किया जा चुका है। शेष योजनाओं का कार्य विभिन्न चरणों में है, जिन्हें ससमय एवं गुणवत्ता सहित पूर्ण करने के लिए निगम लगातार प्रयासरत है। निगम द्वारा बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज का निर्माण कराया जा रहा है। महानंदा नदी के तट पर करीब 350.4 एकड़ भूभाग पर ये निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी कुल प्रशासनिक स्वीकृति 683.392 करोड़ है। इस योजना के अंतर्गत कुल 67 स्ट्रक्चर्स में से 26 स्ट्रक्चर्स का कार्य पूर्ण है और शेष सभी कार्यों को जून 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। निगम द्वारा भिन्न भिन्न आयामों पर कार्य किया जा रहा है और निगम की कार्य सूची विविधताओं से भरी है। एक तरफ जहां बुनियाद केंद्र जैसे निर्माण समाज के उपेक्षित वर्गों की सहायता करते हैं, वहीं कला और संस्कृति को समर्पित टेराकोटा से बने खूबसूरत म्यूरल्स बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव में एक नया रंग भरते हैं। पारंपरिक एवं फ्री फैब तकनीक से बने विशाल गोदामों का निर्माण हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उत्क्रमण, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास का निर्माण तो संघ ही एयरपोर्ट लाउंज का निर्माण, दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान का निर्माण हो या सरकारी कार्यालयों के आधुनिकतम इंटीरियर का कार्य, निगम अपने हर कार्य हर निर्माण में अपनी एक विशिष्ट पहचान छोड़ रहा है। हम लोग को बेल्ट्रॉन के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ऑफिस के रिफर्बिशमेंट के लिए हम लोगों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को इंगेज किया था। उसके डिज़ाइन क्वालिटी और स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन तीनों से हम लोग बहुत हद तक संतुष्ट हैं, इसलिए थर्ड और फोर्थ फ्लोर और बिल्डिंग का आउटर फसाड और बाकी कामों के लिए भी हमने उन्हीं को आगे का काम एग्जीक्यूशन के लिए कहा है। निगम के कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के कारण इसे नए प्रस्ताव भी प्राप्त हो रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग द्वारा विगत कुछ महीनों में करीब 1200 करोड़ रुपए के योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति निगम को प्रदान की गई है। एक से एक भवन बनाया जा रहा है भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा, और आने वाला समय में जो दायित्व सरकार देगी हमारे विभाग में को विभाग सफलतापूर्वक काम करने का काम करेगी। और मेरा शुभकामना है जो हमारे बिहार राज्य भवन निर्माण लिमिटेड के सभी पदाधिकारी ससमय गुणवत्तापूर्ण काम करेंगे और आने वाला समय में अपनी प्रतिष्ठा के साथ साथ बिहार की भी प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ाने का काम पूरे देश में करने का काम करेंगे। निगम द्वारा PMIS और QMS आदि को लागू कर सभी कार्यस्थलों पर कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता का अनुश्रवण ऑनलाइन किया जा रहा है। संबंधित प्रशासनिक विभागों को भी इसका यूजर ID और पासवर्ड उपलब्ध कराया गया है, ताकि उनके स्तर से भी योजनाओं का अनुश्रवण किया जा सके। पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए PMIS को पब्लिक डोमेन में भी ओपन रखा गया है। कार्यान्वित योजनाओं में
गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निगम सदा सजग रहती है। महाप्रबंधक गुण नियंत्रण की देखरेख में एक डेडिकेटेड टीम का गठन किया गया है, जिनके द्वारा नियमित अंतराल पर कार्यस्थलों का निरीक्षण किया जाता है। निगम के सभी 9 परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों में निर्माण कार्य में उपयोग किए गए सामग्रियों की जांच हेतु एक एक गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला भी स्थापित किया गया है। आईआईटी एनआईटी जैसी इंजीनियरिंग संस्थानों के माध्यम से भी कार्यान्वित योजनाओं की गुणवत्ता जांच कराई जाती है। भवन निर्माण निगम जो है ये बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। हर जगह जो है मटेरियल का भी चेकिंग करते हैं, बीच बीच में मॉनिटरिंग भी करवाते हैं। वो अपने भी आते हैं, साथ में उनके इंजीनियर आते हैं, लेकिन जब हम लोग आते हैं इंस्पेक्शन की टीम तो साथ में घूम के हर जगह का फैसिलिटी करवाते हैं। प्रशासनिक विभागों के कार्यान्वयन हेतु प्रस्ताव प्राप्ति के उपरांत निगम के डेडिकेटेड आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल एवं एस्टिमेशन विंग्स द्वारा कार्रवाई के उपरांत निर्धारित समय सीमा के अंदर ई प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है। निगम की प्रभावशाली कार्य पद्धति एवं गुणवत्ता को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की भी स्वीकृति मिल रही है। निगम को BSEN ISO 9001:2008, BSEN ISO 14001:2004 एवं OHSAS 18001:2007 से प्रमाणीकरण प्राप्त है। इनके अतिरिक्त IES और FIPS के तहत इलेक्ट से भी निगम को अवार्ड्स प्राप्त हैं। भवनों के निर्माण में विश्व स्तरीय गुणवत्ता को बरकरार रखने के संग संग निगम अपने सामाजिक सरोकार के प्रति भी प्रतिबद्ध है। CSR कार्यक्रमों के अंतर्गत दिव्यांग, अनाथ एवं आर्थिक रूप से लाचार बच्चों की पढ़ाई और कौशल विकास में निगम अपना योगदान दे रहा है, तो दूसरी तरफ पटना के विभिन्न स्लम बस्तियों में महिलाओं के बीच रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण NGO दोस्ताना सफर के द्वारा कराने जा रहा है। खेल के विकास के संग संग सिमरिया घाट अवस्थित मुक्ति धाम का जीर्णोद्वार सहित ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, संवर्धन व विकास कार्य भी निगम द्वारा किया जा रहा है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायित्व को भी पूरा किया जा रहा है। दिव्यांग अनाथ बच्चों के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ मुख्यमंत्री राहत कोष में भी निगम द्वारा अभी तक लगभग 48 करोड़ 50 लाख रुपए दिए गए हैं। निगम ने अपने दायित्व को दायरे को बढ़ाया है, क्योंकि अच्छी और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य इनके द्वारा की जा रही है, इसलिए कई विभाग और कई उपक्रम द्वारा इन्हें कार्य दिए जा रहे हैं और निगम आज इस क्षमता और स्थिति में पहुंच गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कार्यों को भी ले सकता है, उसे सफलतापूर्वक निर्माण करके उसे पूरा कर सकता है। वर्तमान बिहार सरकार के विजन के अनुरूप निगम द्वारा कार्यों का निष्ठापूर्वक ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य अब तक सुनिश्चित कराया गया है और भविष्य में भी इस दिशा में कार्य करने हेतु पूरा निगम परिवार कृत संकल्पित है।